तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट का हुआ शुभारंभ। कोरोना महामारी के चलते एक महीने देर से हुआ शुरू मार्केट। बोधगया स्थित तिब्बती मंदिर प्रभारी आमची लामा ने फीता काट कर किया शुभारंभ। बोधगया, बोधगया नोरवन परिसर के पास तिब्बती रिफ्यूजी मार्केट का शुभारंभ तिब्बती मंदिर प्रभारी आमची लामा द्वारा फीता काट कर किया गया। इस मौके पर बौद्ध लामाओं ने शुद्ध पाठ भी किया। जानकारी हो कि प्रत्येक वर्ष मार्केट शुरू होते ही बोधगया एवं गया के आसपास के लोग गर्म कपड़े की खरीदारी करने इस मार्केट में पहुंचने लगते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस बार एक महीने देर से मार्केट शुरू की गई। मार्केट में आने वाले लोगों के लिए थर्मल स्कैनिंग, मास्क एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है। आज क्या ये मार्केट ओपनिंग हुआ है? हाँ जी, तो बहुत देर में हुआ, इसका क्या कारण है? मतलब कोरोना के चलते जो है अभी बहुत देर हो गया। इस साल थोड़ा मतलब लगाने के लिए कोई उम्मीद नहीं था, तो हम लोग यहाँ मतलब अभी कोरोना के चलते लेट से खुला, तो यहाँ जगह हम लोग का जगह भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो इसीलिए हम लोग इस पर लेट से खुला है। एक महीने से अधिक लेट हो गया है। ये कस्टमर के लिए क्या सुविधा रखें, इतना देर भी हो चुका है? कस्टमर के लिए यहाँ जो मास्क रखा हुआ है और सैनिटाइजर रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है उसमें। गेट पे आदमी दो दो रखा हुआ है, जो थर्मल मतलब जो टेम्परेचर चेक करने के लिए रखा हुआ है, और मास्क भी रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। कितना दुकान है इस वक्त? इस पर 25 दुकान है। कब तक रहेगी ये दुकान? ये 15 फरवरी तक रहेगा। इस साल कोरोना के चलते कम दुकान खुला, बहुत से लोग नहीं आए, टोटल दुकान 25 दुकान खुला गया है। और यहाँ सारा इंतजाम है, सेटराज का इंतजाम है, मास्क का इंतजाम है, जो मास्क नहीं लेकर आएगा उसको मास्क दिया जाएगा। कब तक रहेगी ये दुकान? ये 15 फरवरी तक रहेगी दुकान। ठीक है, अपना नाम बताइए। बोध गया।